आज मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले एक आज तमाम मुसलमान अजमेर के तमाम सदरों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन करा गया, जिसके अंदर एजुकेशन पे बात करी गई, समाज को एक संगठित कैसे किया जाए, सारे समाज जितनी भी तमाम बिरादरी अजमेर के अंदर है मुस्लिम एकता मंच के लिए गठन करने के लिए भी आज विचार विमर्श हुआ और कई मुद्दों के ऊपर आज मुस्लिम एकता मंच आज तमाम अजमेर शहर के और ज़िले के सभी बिरादरियों के सदरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सब ने बात कही और हमें सबको एक राह पर चलकर सबके साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि अभी हेड स्पीच का मामला चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे अजमेर शहर के जो हमारे सर्वर सेक्रेटरी साहब हैं, जो सर्वर चिश्ती साहब हैं, जो मुसलमानों के लिए दीन के लिए जो बात उठा रहे हैं, वाकई में अजमेर शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनकी सराहना की जा रही है कि जो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के जैसे आप मॉब लिंचिंग हो जाए, NRC हो जाए, देख रहे हैं आप, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी, ख्वाजा साहब की किस तरीके से, यानी सर्वर चिश्ती साहब मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे हैं पूरे अजमेर शहर के अंदर। और तमाम जितनी भी बिरादरी आज आई मुस्लिम एकता बैनर के बीच नीचे, सब ने सरवर साहब के साथ खड़े होने का वादा किया कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा, हम बाछा बाछा आपके साथ मिलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर सरवर सेक्रेटरी के साथ चलेंगे। हाजी शकील अब्बासी, आज मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले हमने एक मीटिंग करी, जिसमें तमाम जिले के, अजमेर ज़िले के जो भी मौजूद लोग थे, सदर थे, सेक्रेटरी थे मुसलमानों के, सब आए और सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि जो इंसान कौम की बात रखेगा, कौम की आवाज़ उठाएगा, हम उसको अपना लीडर मानेगा, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो सरवर साहब हों चाहे कोई भी हो, हम उसके साथ हैं जो कौम की बात करेगा। मीटिंग में यही फैसला हुआ, एजुकेशन के ऊपर फैसला हुआ, और जो भी कौम की बात करेगा हम उसके समर्थन में हैं, हम उसको पुरजोर समर्थन देंगे और हम सरवर भाई के साथ हैं। आपका नाम? अब्दुल नईम खान, मुस्लिम।